Now, former Union Minister and former Congress leader Suresh Pachauri and former Member of Parliament Gajendra Singh Rajukhedi have joined the BJP. Madhya Pradesh's former Chief Minister Shivraj Singh Chauhan was also present at the event. Pachauri has spoken to the media after joining the BJP and he has stated, and I quote, "When I joined politics, I aimed to serve the nation. The goal of independent India was to form a casteless and classless society. In the last few weeks, the decisions being taken by the Congress have been heartbreaking," unquote. Meanwhile, many political reactions are coming in on this, but let's first listen into what Pachauri has to say. सबसे पहले मैं महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर आप सबको बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। आज का बड़ा पावन दिन है और मुहूर्त भी बड़ा उत्तम है। मैंने जब राजनीति में प्रवेश किया था तो मेरा ध्येय था समाज सेवा और राष्ट्र सेवा का। परितंत्रता के बेड़ियों से जब मुक्त हुआ हमारा भारत, तो आजाद भारत में कांग्रेस के लिए सुरेश पचौरी जी देश की राजनीति में पीओमे में 2 बार मिनिस्टर रहे, रक्षा मंत्री रहे, सेवा दल के वो अध्यक्ष रहे और मैं ऐसा मानता हूं कि कांग्रेस की राजनीति में एक स्वच्छ राजनीति करने वाला व्यक्ति, जिनको हम कहते हैं कि मध्य प्रदेश में राजनीति के संत के तौर पर लोग उन्हें मानते हैं, आज उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय अमित शाह जी के नेतृत्व में, माननीय नड्डा जी के नेतृत्व में आज भारतीय जनता पार्टी में आज उन्होंने ज्वाइन करके विश्वास व्यक्त किया है और उन्होंने कहा है कि मैं बिना शर्त देश में काम करना चाहता हूं, समाज सेवा के लिए, राष्ट्र सेवा के लिए। और उन्होंने कहा कि जिन्होंने सेना पर प्रश्न खड़े किए, जिन्होंने राम मंदिर के निमंत्रण को ठुकराया, ऐसे लोगों को जवाब देने की आज देश के अंदर जरूरत है। तो उन्होंने आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण किया, मैं उनका स्वागत करता हूँ। अत्यंत शिष्ट, शालीन, संस्कारित और मूल्यों के लिए राजनीति करने वाले हमारे मित्र सुरेश पचौरी जी और उनके साथियों ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। और सबसे बड़ी बात है कि जब उनसे पूछा गया क्यों, कोई और कारण, कोई शर्त, उन्होंने कहा कोई शर्त नहीं, मैं तो प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अब देश की सेवा करना चाहता हूँ। कांग्रेस अप्रासंगिक हो गई है, ना नीति है, ना नेतृत्व है और ना नियत ठीक है। मैं उनका यहाँ हृदय से स्वागत करता हूँ। आज सुरेश पचौरी जी ने ज्वाइन किया था, अभी और भी बड़ी संख्या में लोग आएंगे। All right, joining me on the broadcast is my colleague Kulbhushan Saxena. Kulbhushan, we've heard also several BJP leaders expressing their elation after Suresh Pachauri has joined the BJP, and it's not just him. Gajendra Singh Rajukhedi has also joined the Bharatiya Janata Party. What can you tell our viewers? देखिए, मध्य प्रदेश के पूर्व कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी सहित पूर्व सांसद और पूर्व विधायकों ने आज बीजेपी की सदस्यता ली है। सुरेश पचौरी ने जिस प्रकार से कहा कि अयोध्या राम मंदिर का जब निर्माण हो रहा था, प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही थी, उस वक्त जो निमंत्रण ठुकराया था, इससे कहीं ना कहीं उनको ठेस पहुंची है। पूरे कांग्रेस के तमाम नेताओं को इस निमंत्रण मिलने के बाद जो कांग्रेस ने एक्शन लिया और उस निमंत्रण को ठुकराया, इसकी वजह से वो लगातार टूटते हुए नजर आ रहे थे और उन्होंने एक बड़ा फैसला लिया। हालांकि मध्य प्रदेश में लगातार जो है कांग्रेस के नेता बीजेपी की सदस्यता लेते हुए नजर आ रहे हैं। उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि अब कांग्रेस में नेतृत्व मध्य प्रदेश में समझ में नहीं आ रहा है। जीतू पटवारी नेतृत्व कर रहे हैं लेकिन वो अपनी अलग राजनीति करते हुए नजर आ रहे हैं। वरिष्ठ नेताओं की पूछ परख नहीं है। विधानसभा चुनाव में 66 सीटों पर कांग्रेस सिमट चुकी है, संगठन नहीं है। और इसके पहले भी सुरेश पचौरी ने दिल्ली में सोनिया गांधी सहित मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की थी, उनसे उन्होंने अपनी बात रखी थी लेकिन किसी भी प्रकार का कोई एक्शन नहीं लिया गया। पार्टी फोरम में उनकी सुनवाई होती हुई नजर नहीं आ रही थी, जिसके बाद आज बड़ी संख्या में सुरेश पचौरी के साथ इंदौर के पूर्व विधायक सहित भोपाल जिले के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व सांसद ने आज बीजेपी की सदस्यता ली। इस दौरान विष्णु दास शर्मा, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष, मुख्यमंत्री मोहन यादव सहित बीजेपी के नेता भी मौजूद रहे और विष्णु दास शर्मा जो कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है, उन्होंने एक ये और बड़ा संकेत दिया कि आने वाले समय में और भी कई बड़े नेता कांग्रेस की बीजेपी की सदस्यता लेते हुए नजर आएंगे। You've talked about the assembly elections that have just taken place a few months back. The BJP had secured a landslide victory, 2/3 majority of the 230-seat Madhya Pradesh Assembly. They had secured 163 seats. Is the BJP now confident of a similar such sweep in the Lok Sabha polls as well? बिल्कुल, क्योंकि दो मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव की अगर हम बात करते हैं तो 230 विधानसभा सीटों में जिस प्रकार से बीजेपी ने 163 सीटों पर अपना परचम लहराया, उसके बाद लगातार जो कांग्रेस के नेताओं के टूटने का सिलसिला है, क्योंकि कमलनाथ के एपिसोड की भी बात करें तो पिछले कुछ दिनों से ये चर्चा जोरों में थी कि कमलनाथ और नकुल नाथ बीजेपी की सदस्यता ले सकते हैं, लेकिन किसी कारणवश वो बीजेपी में शामिल नहीं हुए। लेकिन उनके बयानों को अगर हम समझे तो उनके बयानों से यही कयास लगाए जा रहे थे कि वो बीजेपी की सदस्यता लेंगे। अब फिलहाल जो वरिष्ठ नेता हैं, क्योंकि सुरेश पचौरी एक सधे हुए नेता है और काफी वरिष्ठ नेता है, कई महत्वपूर्ण पदों में वो रह चुके हैं, मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी वो रह चुके हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, राज्यसभा वो जा चुके हैं, तो कहीं ना कहीं वरिष्ठ नेताओं की जो पूछ परख नहीं हो रही है, कार्यकर्ताओं की जो सुनी नहीं जा रही है, इस वजह से कार्यकर्ता सहित जो वरिष्ठ नेता है वो भी टूटते हुए नजर आ रहे हैं और उनके टूटने की वजह से कांग्रेस पार्टी अब लगातार हम ये कह सकते हैं कि गड्ढे में जाती हुई नजर आ रही है। और कांग्रेस के नेता ही ये कह रहे हैं कि हमें कांग्रेस का अगले 10 वर्षों तक कोई भविष्य नजर नहीं आ रहा है, इसलिए अब हम अपने राजनीतिक जीवन में कई ऐसे बड़े बदलाव कर रहे हैं। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.